भारत की अंडर 19 महिला टीम के विश्व कप जीतने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दी थी। भारत ने महिला क्रिकेट में पहली बार ICC ट्रॉफी जीती है। भारतीय टीम की इस जीत में हैदराबाद की युवा खिलाड़ी जी त्रिशा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 17 साल की जी त्रिशा ने फाइनल मुकाबले में 24 रन की पारी खेली और उन्होंने सौम्या तिवारी के साथ 47 रन की साझेदारी कर भारत की जीत को आसान किया। जी त्रिशा ने इसके अलावा वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 51 गेंद में 57 रन की पारी भी खेली थी। महज 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने हाथ में बल्ला थामने वाली त्रिशा ने साल 2014-15 सीजन में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट में हैदराबाद अंडर 16 टीम के लिए खेला। फिर अगले साल त्रिशा अंडर 19 और अंडर 23 टीम में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। बाद में त्रिशा का चयन अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए किया गया। त्रिशा की इस सफलता में उसके माता पिता का अहम योगदान है। त्रिशा के पिता ने बेटी के प्रशिक्षण के लिए अपनी फिटनेस ट्रेनर की नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। इसके अलावा उन्होंने अपना जिम का कारोबार भी बंद कर दिया था। त्रिशा के लिए उन्होंने अपना 4 एकड़ जमीन भी बेच दिया। त्रिशा जब सिर्फ 5 साल की थी तो उसके पिता उसे अपने साथ जिम ले जाते थे। बाद में उन्होंने स्थानीय मैदान में एक सीमेंट की पिच बनवा दी। त्रिशा के पिता का ज्यादातर समय अपनी बेटी के कोचिंग में ही बीतता था। आज बेटी की सफलता पर उनके पिता का कहना है कि इस तरह की जीत के लिए मैं किसी भी नुकसान को सहन कर सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।